नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वसिष्ठ आपके सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि नॉन प्लान एडमिशन से जुड़ी हुई है। अगर आप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाना चाहते हैं, छठी में, सातवीं में, आठवीं में या फिर नौवीं में, तो आपके लिए यह मौका है और यह मौका आपको इस साल दूसरी बार मिल रहा है। जी हाँ, वह सभी माता पिता जिनके बच्चे फिलहाल गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट स्कूलों में हैं, चाहे वह केंद्रीय विद्यालय में हैं या किसी और स्कूल में हैं जो कि दिल्ली का सरकारी स्कूल नहीं है और चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाना, तो छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं में दाखिले का यह मौका मिल रहा है। 8 अप्रैल से पहले फॉर्म निकले थे और 29 अप्रैल तक भरे गए थे, लेकिन जो लोग उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे उन्हें मिल रहा है एक मौका। 15 मई से फिर से फॉर्म भर सकते हैं और 15 मई से यह फॉर्म 15 जून तक भरे जाएंगे। 15 मई से 15 जून तक भरे जाएंगे यह फॉर्म। और क्या है इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, वह सारी मैं आज आपको देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक अपने पसंदीदा एजुकेशनल चैनल सबके शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें। दाखिले की दृष्टि से और बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी समझने और जानने की दृष्टि से सबके शिक्षा को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। साथ ही आप सभी को यह भी बताना चाहूंगी कि हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं और हम व्हाट्सएप पर भी हैं, तो तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी से तीनों के द्वारा हमारे साथ जुड़ जाइए। जितने ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ही बेहतर जानकारी हम आप तक लेकर आ पाएंगे। तो जल्दी से जानते हैं नॉन प्लान एडमिशन के संबंध में जानकारी। नॉन प्लान एडमिशन की पहली साइकिल या फिर पहला चरण 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चला था, उसके बाद 29 अप्रैल को रिजल्ट निकला था और 30 अप्रैल से 10 मई तक भरे गए थे फॉर्म। अब दूसरे चरण की हो गई है शुरुआत जो कि 15 मई से शुरू हो गया है दोपहर 12 बजे से और 15 जून शाम 5 बजे तक ये चरण के तहत आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप पिछले चरण में अपने बच्चों के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर विद्यार्थी वह जो दाखिला लेना चाहते हैं वीडियो यह देख रहे हैं, अगर आप पिछले चरण में फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो 15 मई से 15 जून में आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 जून को निकलेगा रिजल्ट और उसके बाद उसके बिल्कुल अगले दिन 28 जून से 6 जुलाई के बीच में आपके कागजातों की जांच भी होगी और उसके बाद आपके बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा। कैसे आप यह फॉर्म भर पाएंगे, या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो सबसे पहले बताना चाहूंगी यह ऑनलाइन फॉर्म होगा, बहुत 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 ही आसान होगा। www.edudel.nic.in पर आप जाएंगे जो कि दिल्ली के शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के लिंक पर आप जाएंगे। याद रखिएगा, कक्षा छठी में दाखिले के लिए कक्षा पांचवी में पास होना जरूरी है। जी हाँ, कक्षा पांचवी में पास होना जरूरी है। और वह सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी तक कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर जिनकी उम्र का हिसाब थोड़ा सा अलग है, वे अपने घर के नजदीकी स्कूल जाकर बात कर सकते हैं। बच्चे को देखा जाएगा कि वे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में कहाँ पे है, यानी कि उसे कितना समझ आता है, कितना पढ़ पाता है, कितना लिख पाता है, उसके आधार पर बच्चे को दाखिला मिल जाएगा। तो जो कक्षा पांचवी तक पास है, जिन्होंने स्कूल से किसी पास करी है, वह तो फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन वह बच्चे जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए, वो नजदीकी सरकारी स्कूल जाकर उनका दाखिला हो पाएगा। केवल वही बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं, या उनके माता पिता दिल्ली में रहते हैं, वही इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, बहुत आसानी से आप घर बैठे मोबाइल से यह फॉर्म भर पाएंगे। कोई भी स्मार्टफोन आपके पास है, आप उससे फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर फॉर्म भरने में आपको आ रही है परेशानी, तो नज़दीकी आप सरकारी स्कूल जाकर वहाँ के सहायता केंद्र से आप फॉर्म को भरने में मदद ले सकते हैं। फॉर्म को भरने में जो जानकारी चाहिए बहुत ही सिंपल है, पिता का नाम, माता का नाम, घर का पता और पिछला स्कूल कौन सा अटेंड किया। अगर आधार कार्ड नंबर है तो वह भर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर है तो वह भी भर दीजिएगा। उसका आईएफएससी कोड भी चाहिए होगा और ब्रांच नंबर भी चाहिए होगा, बच्चे की जन्मतिथि और माता पिता का मोबाइल नंबर। और साथ ही जो आपको स्कूल सिलेक्ट करना होगा, सबसे नज़दीकी सरकारी स्कूल आप फॉर्म में सिलेक्ट करें।
और सबसे नज़दीकी सरकारी स्कूल सिलेक्ट करने को इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपको नज़दीकी स्कूल ही मिले, आने जाने में परेशानी ना हो। तो उस बात का ध्यान रखें, सबसे नज़दीकी सरकारी स्कूल को आप सिलेक्ट करें। और उम्र का थोड़ा सा हिसाब बता देती हूँ, छठी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2024 को, 10 या 10 से ज़्यादा 12 से कम, सातवीं में दाखिले के लिए 11 या 11 से ज़्यादा, 13 से कम, आठवीं दाखिले के लिए 12 या 12 से ज़्यादा, 14 से कम और नौवीं में दाखिले के लिए 13 या 13 से ज़्यादा, 15 से कम। लेकिन जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, उनके लिए उम्र से संबंधित कोई क्राइटेरिया नहीं है। उनके पास अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, 6 महीने की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की सीमा में छूट भी मिल सकती है अगर हेड ऑफ द स्कूल यानी कि स्कूल की प्रिंसिपल से बात की जाए। उसके अलावा उम्र की छूट बहुत सारे बच्चों को मिल सकती है, उसके लिए आपको सहायता केंद्र जाकर और बात करनी पड़ेगी। और यह भी आपको बताना चाहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और आपको लगता है उसमें कोई गलती है तो उसे डिलीट कर दोबारा से फॉर्म आखिरी जो तिथि है, अंतिम तिथि है, उससे पहले आप भर के जमा करवा सकते हैं। जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। और सहायता केंद्र से अगर आप नज़दीकी सहायता केंद्र से सरकारी स्कूल की मदद लेना चाहते हैं तो सुबह वाले स्कूलों में 9 से 12, शाम वाले स्कूलों में 1:30 से 4:30 बजे आप मदद ले सकते हैं। साथ ही आपको मैं बताने जा रही हूँ वह 2 फोन नंबर जिन पर फ़ोन कर आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं या फिर कोई दुविधा आ रही है फॉर्म भरते समय पर आप दूर करना चाहते हैं, तो सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक सोमवार से शुक्रवार आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वह नंबर कौन से हैं? 1-800-111-6888, 1-800-111-6888 दूसरा नंबर है, 10580-10580, और उसके बाद किस तरीके से बच्चे का नाम सिलेक्ट होता है वह लिखा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि हमें उस चीज़ में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अब अगर आपके बच्चे का दाखिला होता है तो कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी? बच्चे के पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। 6 से 8 के बच्चों को दाखिले के लिए काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो उसे काम चल जाएगा, या फिर अंडरटेकिंग माँ बाप की भी चल जाएगी। मतलब कि बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान कागजात हैं। उसके अलावा बच्चे की पिछली क्लास की मार्कशीट, आपके घर के पते का प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, अगर आप उस श्रेणी में आते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये दिव्यांग बच्चा है अगर, तो उसके लिए, सब बच्चों के लिए नहीं। और कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए यही कागजात जो मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ फर्क ये होगा कि जो काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए ज़रूरी होगा। और एक बात साफ साफ कर दी गई है, कह दी गई है यहाँ पे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का मतलब यह नहीं है कि आपका मनपसंद नज़दीकी सरकारी स्कूल में दाखिला हो ही गया, ये निर्भर करता है कितनी सीटें हैं उस सरकारी स्कूल में। साथ ही यह भी कहा गया है कि भाई स्कूल एक बार आपको अलॉट कर दिया जाएगा ना, तो अब दोबारा हमारे पास मत आइए कि स्कूल चेंज करो, स्कूल चेंज करो, स्कूल हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें अभिभावक मजबूर हो जाते हैं कि जो बच्चे को स्कूल मिला है सरकारी स्कूल, वह बच्चे को नहीं भेज सकते, कुछ वजह हो सकती है। तो अगर आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जो सच में आपको मजबूर कर रही हैं, आपका शौक नहीं है बच्चे का स्कूल बदलवाना लेकिन आपकी मजबूरी है बच्चे का स्कूल बदलवाना, जो आपको स्कूल मिला है आप उसमें ना कर दाखिला दिलवाना चाहते, किसी और में चलवाते दाखिला दिलवाना चाहते हैं, तो आप स्कूल आकर बात करिए, ग्रीवियंस कमेटी है वहां भी जाकर आप बात करिए। और यह भी साफ साफ कहा गया है कि आप कोई परेशानी ना हो, जो दाखिले की तिथियां हैं उनमें आकर आप बच्चे का दाखिला जरूर करवाएं। और एक चीज कही गई है, जो बच्चे ऑलरेडी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वह इस दाखिले का हिस्सा नहीं बन सकते, अगर वह ट्रांसफर लेना चाहते हैं एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल, और जो वजह है उनकी बहुत ही जेन्युइन वजह है, मतलब कि बहुत ही जायज वजह है, तो ऐसे में वो स्कूल आकर बात कर सकते हैं। एक बच्चे के नाम पे एक ही एप्लीकेशन भरिए, दूसरा अगर आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सभी डिलीटेड मानी जाएगी, और अगर आपने एक चरण में हिस्सा आपका बने उसमें आपको सरकारी स्कूल आया तो आप दूसरे चरण का हिस्सा मत बनिए। आप जो चेक कर सकते हैं स्टेटस एप्लीकेशन का, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप बड़ी आसानी से वेबसाइट से दिल्ली के शिक्षा विभाग की www.edudel.nic.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी गलत जानकारी फॉर्म भरते समय मत दीजिए, क्योंकि गलत जानकारी अगर आप दी आपने तो आपके दाखिले को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा, कोशिश करती हूँ
सारी महत्वपूर्ण जानकारी दाखिले से जुड़ी आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपके बच्चे आपकी इच्छा अनुसार सही स्कूलों में पढ़ सके, उनका बेहतर भविष्य हो और आप माता पिता के तौर पर एक आगे जाकर बहुत ही बढ़िया जिंदगी जिए, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी है। और यकीन मानिए, जब यह बच्चे जिनका दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से होगा और यह पढ़कर बड़े बनेंगे और ये जिंदगी में नाम कमाएंगे, तो मुझे कितनी खुशी होगी मैं उसको आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।